भी सही आएंगे। सितारों से आगे यहाँ हो रही है कभी इश्क के इंतहा हो तो शाहीन है परवाज है काम तेरा तो शाहीन है परवाज है काम तेरा कि तेरे सामने इसी रोज शब में उलझ कर न राजा कि तेरे जमानो मका और सरदार आली जनाब स्टेज पर रौनक अफरोज जनाब संजीव सर साहब और रजीव आशीष जनाब डॉक्टर डॉक्टर हरिंद्र सर साहब और दीगर मोहसर और मेरे प्यारे साथी मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से आज जो 2 अक्टूबर है और एक अजीम दिन है इस मौके से मेरी बातों को सुनने के लिए आप और समाज करवा रहे हैं हजरत गिरामी आज ही के दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी दो हस्ती वजूद में आते हैं एक ऐसे दो हस्ती की पैदाइश होती है जो हिंदुस्तान की जंग आजादी में अहम रोल अदा करने वाले एकता और भाईचारगी का पैगाम देने वाले सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाने वाले जिसे दुनिया महात्मा गांधी और बापू के नाम से जानती और पहचानती जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं उनकी भी पैदाइश आज ही के दिन हुई है आज सिर्फ और सिर्फ उनके पैगाम को उनके मिशन को उनका जो निचोड़ था वो आपके सामने पेश जब मैं छोटा सा था मेरा बचपना बहुत गुजर रहा था तो मेरे हाथ में किसी ने रोटियां दिया था तो मैंने उसने महात्मा गांधी जी की तस्वीर को देखा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं लाठी भी होंगे मेरे जहन में आया ये पूरे साहब लाठी लेकर के आगे आगे कहां जा रहे हैं आप पीछे पीछे ये सब कहां जा रहे तो मैं सोचा मुझे समझ में नहीं आई मैंने यूं ही समझा कि किसी पंचायत में या कहीं जा रहे हूं बाद में मुझे पता चला कि ये लाठी लेकर के हमें अब आपको रास्ता दिखा साथियों वो रास्ता क्या था वो कौन सा पैगाम था आज के दिन मैं आपको वही रास्ता बताऊं आइए उससे पहले इस सरजमीन पर अंग्रेज ने अपना कदम रखा और फिर उनकी नीयत शुरू से गलत थी क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का ताजमहल और उसकी खूबसूरती लाल किला की चार दीवारी कुतुब मीनार की बुलंदी और जामे मस्जिद का तकद्दस उन्हें नाज नहीं है और उन्हें क्यों नाज है इसलिए कि उनका मकसद और प्राण सिर्फ मुल्क को लूटना और हिंदू हीरा को ले जाना चुनांचे उन्होंने अपने प्राण और गेम के तहत यहाँ के राजाओं को हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त आया कि 1857 ईस्वी में हम हिंदुस्तानियों को नाकामी का मुंह देखना और फिर उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर
नजर जो सच्चाई की बात कर रहे थे, जो अमानतदारी की बात कर रहे थे, जो दयालुदारी की बात कर रहे थे, जो सत्याग्रह की बात कर रहे थे, जो अहिंसा की बात कर रहे थे, जो एक दूसरे की भाईचारे की बात कर रहे थे, जो सफाई और सुथराई की बात कर रहे थे, जो सेहत और तंदुरुस्ती की बात कर रहे थे, और इस कौम को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, और सिर्फ उनकी बात बात भी नहीं थी बल्कि उन्होंने खुद इस पर अमल करके दिखलाया। क्या था गांधी जी के पीछे, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, उनके पीछे पंडितों का, अलमा का, फसा का, बोला का, अदला का, शोला का एक हजूर अठा निर्माण का समंदर नजर आने, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई बन करके अंग्रेजों को यहां से भागने पर और हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर। आपने अभी देखा कि गांधी जी ने किस तरीके से पूरी जिंदगी मुसलसल और जुद्दोजहद के साथ जब उन्होंने अपना कैरेक्टर और किरदार को पेश किया तो जमाना उनके पीछे आया, और फिर एक बार जो मसला था उन पर उन्होंने हल कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, उनकी जिंदगी से मुख्तसर में मैं आपको शेर में बताना चाहता हूँ कि उनका यह पैगाम था, उनका यह मिशन था कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है que
क्या बात क्या बात।